लोग पोर्ट ब्लेयर पहुँच गए हैं और अभी हमारा जो टाइम है घूमने जाने के लिए चिड़िया टापू जाना है। 2:30 टाइम है, 2:30 और अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो हमने सोचा कि जो शॉपिंग बाकी है वो पहले कर लेते हैं, क्योंकि बाद में नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा और रात में पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम खुद से ही निकल गए हैं, एक ऑटो लिया और यहाँ पे पहुँच गए। 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस था और 25 करके लिया दोनों का 50। आगे हम लोग सागरिका एम्पोरियम में, यहाँ पे ये गवर्नमेंट है और यहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग करने का चीज़ मिलता है, यानी जो हैंडक्राफ्ट है वो सब चीज़ मिलता है। बाहर जैसे आपको जो शॉप लगता है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लेता है 10-20 रुपये, पर यहाँ पे थोड़ा कम होता है, तो एक गवर्नमेंट रेट है वही लेता है। तो चलिए और देखते हैं तो क्या क्या मिलेगा। अंदर चलते हैं आगे सर, चलो चलो। पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे सागरिका एम्पोरियम है, आप कोई भी एक जगह पे जा सकते हो। हमें इसका जो एड्रेस है वो तो नहीं पता, बस हम ऑटो में आए और बोले कि सागरिका जाना है तो उन्होंने यहाँ पे हमें उतार दिया। और यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं इस बिल्डिंग में, तो फर्स्ट हम जिस जगह पे गए थे यहाँ पे वुडन का और जो नारियल का शेल होता है उन सब चीज़ का, बैम्बू का सब सामान था। और यहाँ पे जो वुडन ट्रे था उसका मैंने प्राइस पूछा तो बाहर जो 200 रुपये बोल रहा है वहाँ वो सब चीज़ यहाँ पे 350 करके बोल रहे हैं, और बाहर जो 300 का है वो यहाँ पे 500 करके बोल रहे हैं। तो सारी चीज़ जो है मुझे लगा कि बाहर से यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा है और आप यहाँ पे बार्गेटिंग भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि ये जो शोपीस आप देख रहे हो ये बाहर 200 रुपये में दे रहे थे पर यहाँ पे 350 रुपये था। और ऐसा ही बहुत कुछ सामान है, जैसे अंडमान का जो टी शर्ट होता है वो उसका भी प्राइस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, आप देख लीजिए। पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ सब टी शर्ट का प्राइस कितना है? एल एक्सएल ऐसा कुछ गिफ्ट जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा ही है। टी शर्ट के लिए बाहर बहुत सारे आपको शॉप मिल जाएंगे, आप जब JT में जाओगे यहाँ कोई बीच साइड में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा और वो आपको 100-150 में टी शर्ट दे देंगे। पर यहाँ पे जो है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना बड़े साइज़ का लोगे उसका प्राइस उतना ज़्यादा होता है। और ये मैं देख रही थी कोकोनट ऑयल, यहाँ का जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत ही अच्छा है, आप अगर जाते हो तो ले सकते हो, ये यहाँ से भी ले सकते हो और बाहर से भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से एक कोकोनट ऑयल लिया है। और यहाँ पे बहुत सारे वुडन का और बैम्बू का बहुत सारे सामान थे, आपको बहुत कुछ वैरायटी यहाँ पे अब मिल जाएगा। अगर आप एक ही जगह पे सारे सामान ढूंढ रहे हो और प्राइस का कोई इशू नहीं है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, पर अगर आप बजट में कुछ लेना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगी कि आप पोर्ट ब्लेयर में जो भी बीचेस है उसके साइड में या बाहर बहुत सारे शॉप है वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। वहाँ पे भी बार्गेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है पर यहाँ से प्राइस थोड़ा कम है। तो हम चले गए थे आगे जो और एक स्टोर है यहाँ पर, और यहाँ पर खादी जो हर्बल होता है खादी नेचुरल वही सब सामान यहाँ पे था, साबुन शैम्पू फिर क्रीम स्क्रबर बहुत कुछ था, पर मैंने ये सब कुछ नहीं लिया। और इसके अलावा भी यहाँ पे खादी का कपड़ा फिर सलवार सूट बहुत कुछ मिल रहा है, तो अगर आप ये सब खरीदना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो शंख का सामान होता है वो सब मिल रहा था, और इसका भी प्राइस जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा था। जैसे मैग्नेट जो है उसका प्राइस बाहर 50 ले रहा है तो यहाँ पे 100, वहाँ पे 60 ले रहा है तो यहाँ पे 110 ऐसा करके है। कुछ कुछ चीज़ जो है वो ठीक ठाक प्राइस है पर कुछ कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे कुछ इयररिंग भी मैंने देखा जो 50-60 ऐसा प्राइस है पर वो बाहर 30-35 में मिल रहा है। और अगर आप वो गिफ्टिंग के लिए शंख लेना चाहते हो वो भी आपको 50-60 रुपये में मिल जाएगा, पर यहाँ पे वो 100-150 रुपये तक अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो अगर आपका बजट है। यहाँ पे जो भी चीज़ मिल रहा है
जोड़ा, उसका प्राइस ज़्यादा है, हमें लग रहा था कि कम होगा, पर हम जो कॉर्बिन को बीच में गए थे वहाँ पे सस्ता था, वहाँ पे जैसे 60 का वो मैग्नेट मिल रहा था, फिर 100 का मैग्नेट था, यहाँ पे वो 120 ऐसा प्राइस है, और एक चारवर का जो सेट है वो भी 400 में मिल रहा था, पर यहाँ पे बहुत प्राइस है। अब ऊपर जाके देखते और क्या क्या है, और अगर ज़्यादा लगे तो यहाँ से नहीं लेंगे, नहीं जाके यहाँ से वो कॉर्बिन बाहर से ले लेंगे, कॉर्बिन और जहाँ पे जा रहे चिड़िया वहीं पे भी दुकान होगा ना, तो पूछ लेंगे। तो जैसे हम बोल रहे थे कि चिड़िया टापू जाने के टाइम पे देख लेंगे कि कोई शॉप है कि नहीं, तो मैं बता देती हूँ कि चिड़िया टापू में कोई भी शॉप नहीं है, और पोर्ट ब्लेयर में बस जो कॉर्बिन को बीच है उस साइड में हमें कुछ शॉप दिखाई दिया था, और बाकी कोई जगह पे ऐसा कुछ नहीं देखा, और नॉर्थ बे में शायद हो सकता है हम गए नहीं। और आप अगर ये सब चीज़ लेना चाहते हो तो पोर्ट ब्लेयर से ही लेना, क्योंकि हैवलॉक और नील में इन सब का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से वो लोग वहाँ पे ले जाते हैं तो प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो आपको जो भी लेना है आप जिस दिन पोर्ट ब्लेयर आओगे और रुकोगे उसी दिन आके ये सब ले सकते हो। हम जब पहले कॉर्बिन को बीच गए थे उस दिन हमें बहुत कुछ पसंद तो आया था और बजट में भी था, पर हमें फिर हैवलॉक और नील जाना था इसीलिए हम कुछ भी नहीं लिए उस दिन, और लास्ट डे जब आए उस दिन ही जो भी है शॉपिंग कर लिए। तो आप चाहो तो सागरिका आ सकते हो, पर मैं तो यही बोलूँगी कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब बोल रहे थे कि कम है, गवर्नमेंट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बाहर आप कॉर्बिन को बीच जाके भी बहुत कुछ चीज़ आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आप पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे शॉप देख पाओगे, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इससे थोड़ा सा कम प्राइस में। और यहाँ पे जो शंख आप देख सकते हो, ये हम बंगाली में कुड़ी बोलते हैं, पर मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, ये भी एक सेल है, तो ये हमें नील में मिला था और वो जिंदा था, वही हम बोल रहे थे कि वहाँ पर मिला और यहाँ हम देख रहे थे, और इसका जो प्राइस था वो बोल रहे थे कि 12 लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से 120 या ऐसा कुछ, एक दो नहीं देते हैं क्योंकि ये छोटा छोटा है इसीलिए। तो बस हम यहाँ पे और कुछ नहीं लिए, मैंने बस एक क्लिप लिया था क्योंकि मैं एक भी क्लिप लेके नहीं गई, पर उस टाइप का जो क्लिप होता है वो मुझे नहीं मिला, तो बस एक नॉर्मल मैं क्लिप लेके आ गई। और आप यहाँ पे जो भी खरीदते हो वो सब एक जगह पे करके वो नीचे बिल कर देते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एयरपोर्ट में कि कोई चेकिंग होता है या कुछ। हम शंख लिए थे, हमारा 4 शंख था और सेल का भी बहुत सामान था, तो जो बिल है वो अपने पास आप रखना हमेशा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल दिखा सकते हो, पर हमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक दो तो जो शेल है वो हमारे कपड़ों के अंदर, पॉकेट के अंदर कोरल वो सब भी आ गया था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बहुत लोग टेंशन करते हैं, मैं भी बहुत डर रही थी कि पता नहीं ये सब लेके जाए और उसके बाद एयरपोर्ट में बोल दे कि नहीं लेके जा सकते हो ये क्या, और ये बहुत टेंशन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस आप बिल ज़रूर ले लेना और उसके साथ बिल जो है वो हमेशा कैरी करना। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग शॉपिंग भी करते हैं तो ये भी शेयर कर देते हैं। आपको अगर और कुछ जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करना, मुझे अगर पता होगा तो मैं ज़रूर बोल दूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ढेर सारा प्यार आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।